हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि कब शिक्षक भर्ती जो है जारी की जाएगी, आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला क्लियर नहीं हो जाता। अब ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कुछ अभ्यर्थी हैं जो एक अंक की वजह से नियुक्ति नहीं पाए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आरक्षण के घोटाले का शिकार हो गए हैं। नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी नियुक्ति की आस में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थी जो हैं 80-90 दिनों से जो है धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने ये जो एक अंक वाला मामला है इसको जानबूझ के रोक के रखा है, और ये केवल 9 नवंबर 2022 की बात नहीं है। इसमें अगर बात करें आरक्षण पीड़ित व्यक्तियों की, तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 2020 से ही न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है कि आरक्षण का मामला पिछले 3 साल से लंबित है, और उनका ये कहना है कि जब तक ये मामला जो है क्लियर नहीं आ जाता तब तक हम लोग नए शिक्षक भर्ती जो है आने नहीं देंगे। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में जो है नई शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञापन अभी भी जारी नहीं किया जा रहा है। यही एक कारण है जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो है नहीं आ रही है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनका कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जो है नहीं आती है तब तक पुराने जो हैं शिक्षकों से ही काम चलाया जाए, यानी जो पहले से जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनसे ही काम चलाया जाए। यानी कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अभी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यूपी सरकार जो है उस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले रही है। हैरानी की बात है, अभ्यर्थी जो है 80-90 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला जो है जल्द क्लियर किया जाए, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, और अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। और उनका कहना भी जायज़ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 1,26,000 पद जो हैं शिक्षकों के खाली हैं। तो अब इस पर विज्ञापन कब जारी होगा? उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कब निर्णय लेती है? इस पर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं पिछले 4-5 सालों में यूपी टेट सीट का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, और वे नई शिक्षक भर्ती की आस में बैठे हुए हैं। दिन पर दिन उनकी एज जो है निकलती जा रही है, इसलिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यूपी सरकार से कोई भी अपडेट नहीं है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। वहीं अगर बात करें बिहार शिक्षक भर्ती की, तो बिहार में आप लोग जानते ही होंगे कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है। बिहार शिक्षक पहली बहाली के बाद अब बिहार शिक्षक दूसरी बहाली का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और जो है ऑनलाइन आवेदन जो है ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। बिहार में पहली बहाली में 1,70,000 पद निकाले गए थे, और दूसरी बहाली में भी 70,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली है, और खबर ये भी आ रही है कि बिहार जो है तीसरी बहाली की भी तैयारी कर रहा है। अगर बिहार राज्य की बात करें तो पहली बहाली में उन्होंने DLED को काफ़ी अच्छा मौका दिया था, और दूसरी बहाली में उन्होंने BEd अभ्यर्थियों को काफ़ी अच्छा मौका दिया है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो हैं CTET या STET पास हैं वो जो हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक बनने का इससे बढ़िया मौका जो है नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट की, तो पहली बहाली का जो रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वेट कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अतुल प्रसाद ने खुद कहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में भी देरी है। उन्होंने फरवरी महीने में बताया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है आ सकती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।